नमस्कार, मैं सिमरनजीत सिंह, बिहारी न्यूज से। अमित शाह नहीं बल्कि बिहार का यह शख्स चलाएगा देश का गृह मंत्रालय। जी हां, सच सुना आपने। चौंकने वाली बात नहीं है बल्कि समझने वाली बात है। अगर किसी को लगता है कि नेता देश चलाते हैं, मंत्री देश चलाते हैं, तो ऐसा सोचना आपका भ्रम है, या यूं कहे तो आधा अधूरा सत्य है। मंत्रियों के कार्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका उनके सचिवों और उनके निजी सहायकों की होती है। मंत्री महोदय चाहे किसी भी विभाग के हों, उन्हें कितना भी अनुभव हो, वो बिना सचिव की सलाह से कोई कदम तो उठाते ही नहीं। अब बात करते हैं देश के नए गृह मंत्री अमित शाह की और नए गृह मंत्री के निजी सचिव की। अमित शाह के निजी सचिव के तौर पर बिहार कैडर के IAS अधिकारी साकेत कुमार को नियुक्त किया गया है। साकेत बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले हैं। 2009 बैच के IAS हैं। बेहद कर्मठ अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं साकेत कुमार। इसके पहले देश के रेल राज्य मंत्री रहे मनोज सिन्हा के PS यानी निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। PS को प्राइवेट सेक्रेटरी भी कहा जाता है। साकेत को 2018 में ही मनोज सिन्हा का PS बनाया गया था। अब साकेत अमित शाह के सचिव हैं और वो इस पद पर 29 जुलाई 2023 तक बने रहेंगे। साकेत कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके पिताजी मधुबनी के एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। साकेत की स्कूली पढ़ाई डॉन बॉस्को मधुबनी एवं मॉडल स्कूल दिल्ली से हुई है। साकेत कुमार ने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पूरा किया है। अपने दूसरे प्रयास में ही साकेत ने UPSC क्लियर कर लिया था। UPSC की परीक्षा में देश भर में उनका स्थान 13वां था। इसके पूर्व साकेत कुमार अपनी सेवाएं बिहार के वैशाली में बतौर अनुमंडल पदाधिकारी और बिहार के ही समस्तीपुर में DDC के तौर पर दे चुके हैं। इसके साथ ही साकेत कुमार बिहार के बांका और खगड़िया जिले के DM भी रह चुके हैं। साकेत कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि वो जहाँ जहाँ भी बतौर अधिकारी नियुक्त हुए हैं, उनकी पहचान काम करने वाले अफसर के तौर पर हुई है। यही वजह रही है कि उनका चयन देश के गृह मंत्री के निजी सचिव के तौर पर किया गया है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।